सभी पशुपालक भाइयों का मेरा नमस्कार। ये देखिए क्रॉस ब्रीड जर्सी की गाय, और ये देखिए क्या इसको तकलीफ है। ये कैमरा नज़दीक में लाओ भाई, ये देखिए घुटने के पास, ये देखिए आप, एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा एब्सेस घुटने के पास में डेवलप हो चुका है इसको। और ये बैठते उठते ये पहले छोटा था और धीरे धीरे ये बड़ा हो चुका है। और अब हम इसे जांच करेंगे। ये देखिए उंगली दबा के हम जांच कर रहे हैं कि ये एब्सेस जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि नहीं। ये देखिए ये गड्ढे बन रहे हैं, यानी कि इसमें पस भरा हुआ है, फ्लूड भरा हुआ है। ये देखिए कुछ फ्लूड बाहर भी आया है। तो पकने के बाद ये यहाँ पे टिश्यू थोड़ा डेड हो चुका है और वहाँ से ये पस थोड़ा सा बाहर आया है। ये हम उंगली दबाकर चेक कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से तैयार है या नहीं। तो ये पूरी तरह से तैयार है और हम अब इसमें इंसिजन लगा के यहाँ पे और इसका पूरा पस अच्छी तरीके से हम बाहर करेंगे। तो ये देखिए हम किस प्रकार से बाहर कर रहे हैं, ये पशु मालिक की सहायता से। ये देखिए साथियों क्या निकल रहा है इसमें से, ऐसा लग रहा है जैसे हम हलवा बनाते हैं आटे वाली, उस टाइप का, या तो फिर पोस्टर चिपकाने के लिए जो लई तैयार की जाती है आटे और पानी का सिझाने के बाद में जो वो लई तैयार होता है, उस प्रकार का इसमें से एब्सिस में से ये पस निकल रहा। ये पशु मालिक दबा दबा के निकाल रहे हैं और हम भी, ये देखिए बहुत सारा नीचे में देखिए आप कितना सारा निकल चुका है और अभी इसमें से और निकलेगा। हालांकि हमें दस्ताने हाथ में लगा लेने चाहिए, लेकिन हमने अपने हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके एंटीसेप्टिक लोशन लगा के और ये इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पोविडीन लगाया, पोविडीन आयोडीन, उस जगह पर हमने पहले पोविडीन आयोडीन लगाया, उसके बाद में ये देखिए कभी कभी फंस जाता है, ये पस इतना गाढ़ा है कि आसानी से नहीं निकल रहा है। तो हम आरटी फोर्सेप से उस जगह को चौड़ा कर रहे हैं और आरटी फोर्सेप से घींच के और निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है साथियों जैसे इसमें कुछ मांस टाइप का, जो मेरे ख्याल से लगता है कि जो अंदर का जो टिश्यू है वो गल चुका है और वो पस के साथ में मिल गया है, और मिलने के बाद में वो देखिए इस प्रकार का बाहर आ रहा है। ये देखिए हम दबा दबा के निकाल रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी के साथ में निकालना है। ये देखिए पस अभी और निकलेगा साथियों इसमें से, करीब हमने 2 kg के आसपास इसमें से पस निकाला है और एब्सेस भी काफ़ी बड़ा था। और ये देखिए कितना ड्रेन आउट हो रहा है पस इस एब्सेस में से। और इसके बाद हम अब इसमें क्या डालेंगे, ये देखिए हम डाल रहे हैं इसमें पोविडीन आयोडीन का नॉर्मल सलाइन में मिलाकर, या आप किसी भी प्रकार का एंटीसेप्टिक लोशन ले सकते हैं। और हम अब इसमें डाल के और इसको फ्लश आउट करेंगे। फ्लश आउट क्यों करेंगे, ताकि वो जो अंदर का जो जितना भी जगह है जहाँ पर पस ये बना हुआ था, फॉर्मेशन था, उस जगह की अच्छी तरीके से धुलाई हो जाए और पूरा पस बाहर आ जाए। उसके साथ में ये जब एंटीसेप्टिक वहाँ पे जाएगा तो जितना भी पस है उस सबको वो जमा कर लेगा और उसके बाद जब हम दबाएंगे तो वो प्रेशर से बाहर आ जाएगा। तो ये हम अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम के साथ में करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, और बिल्कुल अच्छी जेंटल हाथ से ये हम करेंगे। और जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं हम सिरिंज में भर भर के उसमें डाल रहे हैं और ये थोड़ा ताकत लगा के प्रेशर बना के डालेंगे, ताकि देखिए कुछ उसमें से पस भी बाहर आ रहा है, यानी कि जब हम डाल रहे हैं बाहर से तो अंदर से कुछ पस भी बाहर आ रहा है। फिर हम इसको दबा के और पूरी तरह से बाहर करेंगे। ये प्रक्रिया 2-3 बार करने के बाद में हम कॉटन बैंडेज का गोज बनाएंगे पोविडीन आयोडीन में डाल के, उसमें थोड़ा हिमैक्स लोशन जो होता है वो डालेंगे और टोपिक्योर स्प्रे उसमें थोड़ा सा मार के, और जितना इसमें जाए उतना हम गोज को अंदर दबाएंगे, और अंदर में दबाने के बाद थोड़ा सा हम बाहर में लटकता हुआ छोड़ देंगे। और ये ड्रेसिंग हमें 3 दिन या 4 दिन लगातार करने हैं साथियों। उसके बाद में बारी आती है ट्रीटमेंट का कि क्या इलाज किया जाए। तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन ग्रुप में हम एंटीबायोटिक देंगे, जो कि इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दर्द सूजन और इसमें कुछ बुखार भी रहेगा तो उसके लिए हम मैक्सटोल यानी टोलफेनेमिक एसिड लगाएंगे।
उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड साथियों, पोटेशियम आयोडाइड 4 ग्राम में 1 क्विंटल के पशु के लिए नॉर्मल सलाइन में या पानी में घोर कर इसे डेली पिलाएंगे और उसके बाद आप इसमें बहुत ही मैजिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये पशु धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, इसको दर्द से निवारण होगा। पोटेशियम आयोडाइड का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, ये देखिए फाइनल हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।